ये बैग है और ये गाड़ी है जो इंडिया में नॉर्मल गाड़ी है वही चलता है। और आपको डिलीवरी जॉब के लिए अगर आना है दोहा कतर में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त आपका पलम। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ, आप लोग तो जानते ही है। और शाम का 4 बज रहा है और मैं रेडी हूँ लुलू मॉल जाने के लिए। तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि लुलू मॉल जाने की बात कर रहा हूँ और ये तो इंडिया में खुला है और मैं दोहा कतर में हूँ। तो गाइज़, मैं बता दूँ कि इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है और सऊदी में भी है, दुबई में भी है। यानी अभी इस वक्त सब कंट्री में ज़्यादातर लुलू मॉल खुल गया है और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम है कि लखनऊ में लुलू मॉल खुल गया है उत्तर प्रदेश में। तो गाइज, दोहा कतर में लुलू मॉल कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडिया में अगर आप लोगों में से किसी ने लुलू मॉल देखा है और गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है। तो गाइज, आपको इस वीडियो में ये अंदाज़ा एक हो जाएगा कि मतलब यहाँ का जो दोहा कतर में लुलू मॉल है वो कैसा है और इंडिया में जो लुलू मॉल है वो कैसा है। अगर आप लोग कोई सामान कोई प्रोडक्ट अगर मंगाना चाहते हो मतलब सऊदी से दुबई से, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो सोचते हैं कि यार मैं सऊदी से मंगाऊं या दुबई से मंगाऊं या दोहा कतर से मंगाऊं, तो आपको अब हमको जहाँ तक अंदाज़ा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तो जो दोहा कतर में सामान अवेलेबल मिलेगा या सऊदी में मिलेगा आपको इंडिया के लुलू मॉल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिल जाता होगा। दोहा कतर में लुलू मॉल है, उसमें क्या क्या सामान मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है। अगर दोहा कतर में जो सामान है वो सामान इंडिया में अवेलेबल है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप मतलब दोहा कतर या अदर कंट्री से आप सामान मंगाएं कि नहीं मंगाएं कि हम सीधा लखनऊ जाएं और अपना सामान प्रोडक्ट कोई भी ले लाएं। मैं अभी इधर बालकनी में खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये पार्किंग एरिया है और इधर से मैं निकलूँगा, रिहायशी इलाका है और सीधा जाऊँगे लुलू मॉल। और दोहा कतर में लुलू मॉल कैसा है आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या सामान अवेलेबल है, क्या क्या सामान यहाँ मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या लुलू मॉल जो खुला है इंडिया में उसमें जो दोहा कतर का या दुबई का या सऊदी का सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो गाइज, मैं बता दूं कि अगर दोहा कतर का लुलू मॉल आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहना। दोहा कतर में कुछ ऐसा दिख रहा है और ये यहाँ का जो रिहायशी इलाका है, कतरी लोग का घर ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ का जो रोड है आप लोग देखिए, और हम लोग ये साइड से आया था और जा रहा है अभी ये साइड। वो सामने जो दिख रहा है ना, वो जो सामने दिख रहा है आप लोग बहुत दूर है, वही लुलू मॉल है। तो हम जाने वाले हैं वही उसी लुलू मॉल में और ये दोहा कतर में है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो डिलीवरी है यहाँ पर दोहा कतर में काफ़ी फेमस हो रहा है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो गाइस, दोहा कतर में ये डिलीवरी वाले देख रहे हो भाई यहाँ पर। अगर आप लोग को आना है, अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपको बाइक चलाना पसंद है और बाइक चलाने के शौकीन है तो ये डिलीवरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोहा कतर में डिलीवरी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो है जो पिज्ज़ा बर्गर और कुछ भी है मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस तरह से बैग है और बाइक है। और जब ऑर्डर आएगा तो आपको ले जा करके लोकेशन पे पहुँचाना होता है और इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में रोड है और अगल बगल दुकान है और ये साइड में भी पूरा दुकान है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और आज फ्राइडे है तो काफ़ी दुकानें बंद रहती हैं। तो गाइज, हम सीधा बेसमेंट में घुसते हैं और सीधा लुलू मॉल के वो साइड में जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं ये साइड से आ रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं इसके अंदर से। और ये देख रहे हो गाइज, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, मतलब ये बिल्डिंग के पार्किंग के लिए मतलब ये जगह पूरा बनाया है। आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा और कितना चौड़ा एरिया यहाँ पर बनाया है। सामने भी पार्किंग के लिए जगह बनाया रहता है। अगर आप दुकान पे आते हैं किसी भी दुकान पे तो उसके जस्ट सामने पार्किंग के लिए आपको मिल जाएगा आसानी से गाड़ी खड़ा करने के लिए। और मैं नज़दीक से चल के दिखाता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पर ये बैग है और ये गाड़ी है जो इंडिया में नॉर्मल गाड़ी है वही चलता है। और आपको डिलीवरी जॉब के लिए अगर आना है दोहा कतर में तो आप आसानी से आ करके और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये काफ़ी दोहा कतर में जो है ये चल रहा है अभी। तो
तो गाइज हम आ गए हैं लुलु मॉल, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये लुलु मॉल है और काफ़ी बड़ा है और पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक है। तो हम चलते हैं लुलु मॉल के अंदर, आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहो। और मैं ये साइड से आ रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मतलब शाम का वक्त हुआ है तो ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं। जैसे अभी थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो काफ़ी लोग आने जाने लगेंगे और काफ़ी भीड़ रहता है। और इंडिया में तो हम गए नहीं भाई, इंडिया में कैसा भीड़, कितना भीड़ रहता है, लेकिन यहाँ पर मतलब मार्केट ज़्यादा है तो उतना भीड़ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भीड़ नहीं रहता है। मैं चलता हूँ लुलु के अंदर, दिखाता हूँ आपको कि कितना भीड़ है और कितना सामान क्या क्या मिल रहा है, कितने प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको सब देखने को मिलेगा ऑल टू ऑल हमारे इस वीडियो में। आप बने रहो कंटिन्यू। और गाइज ये लुलु मॉल है और उसके जस्ट सामने ही ये पार्किंग अलॉट बनाया है। लुलु मॉल में जो भी आएंगे लोग अपना गाड़ी खड़ा करके और सीधा लुलु मॉल के अंदर जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लुलु मॉल के अंदर, आप लोग को दिखाते हैं। और गाइज ये लुलु मॉल के अंदर हम आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर लुलु मॉल। तो गाइज आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा। और एक वीडियो और मैं डालूंगा लुलु मॉल का जो दोहा कतर में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लुलु मॉल के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।